देखो बेटा, अगर मैं बता रहा था एक ब्लैक और एक वाइट हो तो दो केस बनेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई और हो तो एडिशन हो जाता है, पी ऑफ डब्ल्यू वन पी ऑफ बी टू। तो पहले ब्लैक की क्या होगी, 6/10, और रिप्लेसमेंट है तो वाइट की कितनी होगी बताना एक बार, वाइट कितनी है, 4/10। पहले सर वाइट 3/9। है बेटा, नो सर, ठीक है। हाँ ये हुआ, ये विद रिप्लेसमेंट है ना, विदाउट होता तो फिर हम उतना ही कम कर देते, और दोनों वाइट होती तो W1 W2 इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात, ठीक यस है। सर। यहाँ ये कहता है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट क्या होती हैं, पी ऑफ ए बी क्या होता है, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी, ठीक है ना। यानी कि जो इंडिपेंडेंट में क्या होता है बेटा, जो पी ऑफ ए बी क्या होता है, पी ऑफ ए गुणा में पी ऑफ, ये होता है, और ए बी क्या होता है, इंटरसेक्शन, समझ रहे हो, ये इंडिपेंडेंट के लिए होता है। अब इसने पी ऑफ ए दे रखा है 0.3, पी ऑफ बी भी दे रखा है 0.4, और पी ऑफ ए ऑब्लिक बी पूछा है, तो ए ऑब्लिक बी क्या होगा फार्मूले से, इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन क्या है, पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और पी ऑफ बी ये कट जाएगा, पी ऑफ ए आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.3 आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। उसके बाद ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो के की वैल्यू चाहिए तो सबका जोड़ क्या हो जाएगा इनका, 1, तो के 2 के कितना हो गया, 3 के, 3 और 2 5 के, 5 और 3 8 के, जमा में के स्क्वेयर 2 के स्क्वेयर 3 के स्क्वेयर 10 के स्क्वेयर जमा के बराबर है, तो ये हो गया बेटा 10 के स्क्वेयर प्लस 9 के -1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, क्या ए गुणा में 10 कितना हो गया बेटा, 10, तो जोड़ 10 चाहिए, तो 10 के माइनस का के, 10 के कॉमन आ गया, तो K+1 माइनस कॉमन आ गया K+1, तो K+1 कॉमन आ जाएगा 10K-1। तो एक तो के कितना आ जाएगा -1, और एक के क्या आ जाएगा बेटा, 1/10, तो 1/10 आंसर ठीक है, क्योंकि माइनस लोगे तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, यहाँ -1 हो जाएगा नहीं तो, समझ रहे हो। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, यहाँ के इज इक्वल टू 1/10, समझ आ गई होगी बात। ये सर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा दो एक बार दोबारा। इंडिपेंडेंट वाला जी सर। देखो, पहले इंडिपेंडेंट क्या होती हैं बेटा वो देखो, पी ऑफ ए बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है, ये इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है। और ए बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, निकालना क्या है तुमने, पी ऑफ ए ओब्लिक बी, पी ऑफ ए ओब्लिक बी का फार्मूला क्या होता है, हाँ सर आ गया, अब समझ लिया। अब इसकी वैल्यू रख दी हमने, पी ओफ ए इंटू पी ओ बी, पी ओ बी से पी ओ बी कट गया, पी ओफ ए आंसर आ गया इसका, पी ओफ ए दे रखा है इसने 0.3,
इसका अभी यूज नहीं हुआ। जी सर। ठीक है, अब है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज। तो इन दोनों का जोड़ कर लो, ए प्लस बी कितना आएगा बताओ डायरेक्टली। आई वाला है ही नहीं तो 2i, 2j और j कितना हो गया बेटा 3j, और -5k और -k कितना हो जाएगा माइनस का 6k। तो अब इनका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 7, 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर 49 आ जाएगा बेटा ये, समझ रहे हो। तो एन कैप क्या होगा, ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 2i + 3j - 6k डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इन डायरेक्शन ऑफ दिस। अब पासिंग पॉइंट है 1, 2, 3। मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर 1, 2, 3 दे रखे है पासिंग पॉइंट, तो लाइन लिखनी हो या प्लेन लिखनी हो तो उसका तरीका क्या है। लाइन लिखनी है तो क्या हो जाएगी, x - x1/L, y - y1/M, z - z1। LMN लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसके लिए वो बोलेगा। कि प्लेन लिखनी हो तो a·x − x1, ये प्लेन के लिए है, a·x − x1 + b·y − y1 + c·z − z1 = 0। ABC क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनके बारे में वो बताएगा। इसमें इक्वेशन लाइन की पूछेगा या प्लेन की पूछेगा थ्रू ए पॉइंट। तो अब इसकी लाइन की पूछी है तो इस पॉइंट के थ्रू 1, 2, 3 पहचान लिया ना पॉइंट, ये कार्टेशियन में। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, x − 1/L, y − 2/M और z − 3/L। अब LMN इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये कहता है जो ये हमारी लाइन है ना, ये इस वेक्टर के पैरेलल है। इन डायरेक्शन का मतलब उसके पैरेलल हो जाना। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं इस वेक्टर के, वही किसके हैं, इस लाइन के, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, कोफिशियंट ऑफ आई जे के 3, 2 और -2। तो लाइन के भी क्या हो जाएंगे, 3, 2 और -2। तो एल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा। अगर वो वेक्टर फॉर्म पूछता है तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, i + 2j + 3k + λ × 3i + 2j − 2k। तो पहले हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म लिखने के बाद हम वेक्टर फॉर्म पर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, एकता प्रिया? लाइन लिखनी हो तो ये, और प्लेन लिखनी हो तो a·, फिर ए बी सी को निकलवाना रह जाएगा बाकी। यहाँ पे क्या हो जाता है, a·x − 1 + b·y − 2 + c·z − 3 = 0। ए बी सी को पूछ लेता, इसके लिए कंडीशन देता वो, तो आगे कभी क्वेश्चन आएगा देखेंगे वो। तो यहाँ पे एफ एक्स ये है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है बेटा, एफ एक्स को लिख लो पहले, एफ एक्स क्या दे रखे हैं, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे हो जाएगा ये, इस कंपोजिट का, ये कंपोजिट बोलते हैं इसको। अगर जी ऑफ एफ होता ये ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता,
जी ऑफ एफ एक्स। तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना पड़ता है एफ एक्स को, समझ रहे हो? और एफ कंपोजिट जी होता तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ जी एक्स। और ये एफ कंपोजिट जी और जी कंपोजिट एफ ऑलवेज बराबर भी नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। अब हमने निकालना है एफ कंपोजिट एफ, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स। तो अंदर वाले एफ एक्स की वैल्यू रखो पहले, एफ एक्स क्या दे रखे है बेटा, अब हमने एफ ऑफ एक्स निकालना है। आवाज आ रही है बेटा? अब अच्छा, अब देखो हमने f ऑफ ये निकालना है। इब एफ एक्स में जहाँ x है ना वहाँ तुमने इतना रखना है, ये जो भी है ब्रैकेट इतना। इब एफ एक्स में x कहाँ है बताओगे? ये है, इसकी जगह यो रखा जाएगा, रखो क्या है यहाँ पे तीन है माइनस, फिर एक्स की जगह यो, और फिर उसका क्यूब एक्स का क्यूब है ना, हमने ये तो एक्स की जगह रखा है, और सारे की पावर क्या है फिर 1/3। तो यहाँ तुम देखोगे तीन से तो तीन कट जाएगा, तीन माइनस तीन प्लस एक्स क्यूब आ गया, तीन से तीन भी कट गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3 होगी, ये भी कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब एफ कंपोजिट एफ एक्स आ जाए तो एफ खुद का इनवर्स हो है अपने एक आपका, जैसे एक एक का इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स आ जाए तो जी एफ का इनवर्स होता है और एफ जी का इनवर्स होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो मैं इसको फिर बता देता हूँ दोबारा, एफ ऑफ एफ एक्स था तो एफ एक्स की वैल्यू रख दी, एफ एक्स तो इतना है सारा। अब एफ ऑफ दिस निकालना है, इसका मतलब जहाँ एफ एक्स में एक्स है वहाँ तुमने ये जो ब्रैकेट में है ये सारा रखना है। तो यहाँ एक्स क्यूब था ही तो हमने यहाँ रख दिया, तो एक कट पटा के सारा ये एक्स है, समझ आ गई उस बात ये बेटा, या फिर बताऊँ? और ये फाइंड आउट करना, कॉस इनवर्स हैं, कैसे करोगे इनको? टेन में बदल गए तो वैसे तो कॉस का ही फार्मूला होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस ए प्लस कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी होता है ना, माइनस साइन ए साइन बी, तो एक्स वाई माइनस का निशान, क्योंकि कोस थे 1 - x² √ और 1 - y² क्योंकि साइन कैसे बनेगा 1 - cos² से। लेकिन हमने मैंने बता रखा था कि इसका सॉल्यूशन इनको किस में बदल लो, टेन में, वो बेटर रहेगा। 4/5 है, कोस क्या होता है बेटा, पी बाई बी होता है, एच बाई बी होता है, क्या होता है, सर पी बाई एच, एच 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3, पाइथागोरियन नंबर है ये, तो टेन इनवर्स क्या हो गया ये 3/4, 12/13 कोस है, तो कोस क्या होता है अभी बता रहे तुम बी बाई एच, तो ये 12 ये 13, ये क्या हो जाएगा बेटा फिर 5, पता होगा ना ये 5 कैसे आया,
हाँ सर, हाँ सर, तो ये टेन क्या हो गया, टेन इनवर्स 5/12। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? सर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा, 12 एलसीएम लोगे तो 9 और 5 14/12। नीचे हो जाएगा 48 में से 15 गया, अड़तालीस में से 15 गया 33 आ गया ना, 33/48, तो ये हो जाएगा 14/33 और 48/12, तो 56/33 आ गया। को ये आया टेन इनवर्स, और ये जो कोस इनवर्स है ना 33/65, इसका भी चेंज करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 56/63। ठीक है, तो दोनों एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस। मैं तो करता हूँ ऐसे कि सभी को किस में बदल लें, टेन में, और फिर एक का फार्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, इसमें आ भी सकता है तो मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं लगता, तुम्हें पहचान में आ जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है बताना, क्या होता है बेटा साइन ए प्लस बी का? मैं बता देता हूँ, कोई नहीं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है ना, और माइनस हो तो यहाँ माइनस होता है। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये तो साइन ए यू का यू है ना बेटा, यहाँ साइन इनवर्स लिख लो, ए न्यू का न्यू है ना, तो एक्स यू का यू आएगा, और इसका कोस बनाना पड़ेगा तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस, अब की बार कोस साइन बी एज इट इज है, यानी कि वाई यू का यू हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। इब ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है एम सी क्यू में, ये बात समझ में आ गई? एकता समझ में आ गई ना बेटा ये? हाँ सर आ गई। अब कोस का देखो, कोस ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, इसमें दोनों कोस होते हैं फिर दोनों साइन होते हैं, साइन वाले में क्या होता है, एक साइन होता है एक कोस, फिर एक कोस एक साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होता है, इसमें उल्टा साइन होता है। अब मैं लिखता हूँ कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ दोनों कोस हैं, यहाँ पहले तो कोस इनवर्स लिख लो, यहाँ दोनों कोस है ना बेटा, तो ये एक्स वाई यू का यू आ जाएगा माइनस, यहाँ साइन में है तो कोस को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। टेन का भी तो ऐसे ही होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो बाहर टेन इनवर्स लिख दो और इनको चेंज करने की जरूरत नहीं, तो एक्स प्लस वाई और 1 माइनस। समझ आ गई होगी बात, तो तीनों फार्मूले जो है ये ध्यान में रखने हैं। करें आगे क्वेश्चन बेटा, ये कर लोगे, ए बी है तो हमने ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है,
उल्टे क्रम में खुलता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या ए बी को गुणा कर लें फिर उसका ट्रांसपोज कर दें। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1, 3, -6, और ए का क्या होगा, -2, 6 और 5। अच्छा इसमें ए की कॉलम है ना बेटा, देखो रो तो इसमें 3 है, इसमें कॉलम 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें रो तो 1 है और कॉलम कितने हैं, 3 है, लेकिन वो छोटे हैं, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, समझ रहे हो ना, इनके नाम भी हैं। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो अब इनकी गुणा क्या करोगे, -2 को 1 से करोगे तो ये 3 क्रॉस 3 का आएगा, ध्यान रखना ये 1 क्रॉस, ये 3 क्रॉस 1 का है। -2, 4, 5 ये क्या है तुम्हारा, कितनी रोज है इसमें, 1 गुणा 3 का है, 3 गुणा 1 और 1 गुणा 3, तो गुणा होने के बाद ये बीच वाला छूट जाएगा, ऑर्डर क्या आएगा, नए का 3 गुणा 3। गुणा में ए, अगर ए और बी की गुणा है, ए है एम क्रॉस एन का और बी है एन क्रॉस बी का, तो एन छूट जाएगा, तो एम क्रॉस बी आएगा नए का ऑर्डर। और गुणा के लिए यही कंडीशन होती है, इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या क्या, -2 को 1 से करेंगे तो -2, -6, 12, फिर 4 से करोगे 4, 12, -24, 5 से करोगे तो 5, 15, -30, ये आएगा। समझ आ गई ना बात, ये पांचवा, पांचवा है, हाँ ए बी का है, 3 क्रॉस 3 का आएगा, मतलब इसका आएगा ये, सर ये ए बी, ए बी ट्रांसपोज आंसर है ये, यस सर, ठीक है। ए बी की तो गुणा के बराबर होगा ना, ए बी देखो ना, ए कितना है, 1, 2, 3 क्रॉस 1 का, बी क्या है, 1 क्रॉस 3 का, तो गुणा हो जाएगी, ए बी भी कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। गुणा सबकी ना हो सकती, गुणा कुछ है कि उसका है जिनमें यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यस सर। पांचवा देखो बेटा, वाई प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, और यहाँ पे 3y + k² डिटरमिनेंट का है, प्रॉपर्टीज का है, समझ में आ गई होगी ये बात। Yes, इधर है 3y + k, तो 3y + k कैसे बने बताना एक बार, सी वाले जोड़ लो या रो वाले जोड़ लो, दोनों से हो जाएगा, तो c1 changed by c1 + c2, तीनों को जोड़ दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 3y + k, यहाँ भी कितना आएगा, तीनों को जोड़ोगे तो 3y + k ये वही रहेगा। अब कितना बार आ गया, यहाँ क्या बच गया, 1, 1, 1, ये 1, 1 आने के बाद क्या टारगेट होता है बेटा, सर दो एंटिटीज को जीरो, इनको जीरो कर ले नीचे वाले को, तो r2 changed by r2 - r1, r3 changed by r3 - r1, मैंने 1 ही घटाया तो यहाँ ले देता हूँ,
देखो वन वाई वाई, वन में से वन जाएगा कितना रहेगा जीरो, और वाई प्लस के में से वाई घट गया तो क्या बचेगा बेटा के, और वाई में से वाई जाएगा तो क्या बचेगा जीरो, वन में से वन सब्ट्रैक्ट होगा जीरो, वाई में से वाई घटेगा जीरो, और वाई प्लस के में से क्या घटेगा वाई, तो क्या बचेगा क्यू। अब इसको हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस जीरो, तो के स्क्वेयर ही आ जाएगा आरएचएस। तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में कुछ भी भेद नहीं है। पहले तो ये देख लो ये इधर वाला पार्ट क्या है, ये कॉमन आता मिलेगा वो जोड़ने के बाद घटाने के बाद, फिर वन 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 सिचुएशन आते ही यू हैव डन इट, दो को जीरो कर लेना आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात बेटा? यस सर। अब ये कंटिन्यूअस पूछ रहा है दो पे, तो दो पे कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा यूज, इक्वालिटी के लिए पहले तो किसका यूज करेंगे एफ ऑफ टू, ये यूज करेंगे ना, आठ में से तीन गया पांच। जी सर। अब लेफ्ट के लिए तो ये यूज होगा क्योंकि दो से कम है, राइट के लिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हाँ एफ ऑफ टू प्लस एच, और इसमें रख देंगे टू प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस वन, एच वाली टर्म्स जीरो हो जाएंगी, पाँच आ जाएगा, और ये भी क्या था पाँच, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आ गई है, लेफ्ट हैंड और रहेगी, लेफ्ट हैंड भी पाँच ही आएगी जब हमने दो को रखना रखा है यहाँ, उसमें क्या होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, तो टू माइनस एच का क्यूब माइनस तीन, ये भी क्या आएगा तुम्हारा पाँच ही आएगा, तो ये कंटिन्यूस है बेटा, ठीक है। क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स दे रखा है वाई दे रखा है, कैसे करोगे सर, पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा मैं निकाल देता हूँ, ए माइनस साइन थीटा ना भैया, तो बाहर है कोस का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और थीटा साइन थीटा का यू इंटू वी में से थीटा एज इट इज कॉस थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज थीटा क्या हो जाएगा वन, और साइन थीटा इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा, ए एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा बेटा कॉस अकेला था ये, थीटा माइनस थीटा इसका क्या हो जाएगा थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा ये सॉरी कॉस थीटा एज इट इज थीटा का वन, माइनस साइन था ना तो अंदर भी ये मैंने माइनस, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये आ गया ए थीटा साइन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा डी वाई बाई डी थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा, तो कितना आ जाएगा टेन थीटा आएगा, थीटा को क्या रखना है पाई बाई फोर, तो वन आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर भी पूछ सकता है बेटा, वो क्या आएगा टेन का क्या होता है बस यही ना, हाँ बेटा गलत है ये, इतना तो करना ही करना है, साथ में डी थीटा बाई डी एक्स भी करना होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का उल्टा ए थीटा कॉस थीटा नीचे और लिखना है, ठीक है।
अब देखो आठवां, ई एक्स वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, ये है फंक्शन, वही फॉर्म जो बता रहा था, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर ही होता है, क्योंकि वन बाई एक्स मैंने फार्मूला में भी लिख रखा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता जी सर, है? माइनस वन बाई एक्स। बढ़िया है। तो इसका उत्तर क्या होता है? ई एक्स एफ एक्स। तो इसका उत्तर है ई एक्स बाई एक्स, छोटे प्रश्न उत्तरों में आएगा ये। और इसको हल करना हो तो बेटा, जैसे अब ये हल करना भी आ सकता है। तो कैसे हल करते हैं इसको पता है? ई एक्स को अंदर गुणा कर लो, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन यू इंटू वी से स्टार्ट कर दो। यू वी में क्या होता है बेटा, जो इंटीग्रेबल है उसको वी लेते हैं, जो नहीं है वन बाई एक्स एज इट इज, ये यू ले लिया, यो वी ले लिया। वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स माइनस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स और इंटू डी एक्स। इसको नहीं छेड़ना, ये आ गया ई एक्स बाई एक्स, और ये प्लस हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वेयर ई एक्स डी एक्स, और ये माइनस ई एक्स बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ई एक्स बाई एक्स। इसमें क्या करते हैं हम, ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके और पहले वाले का इंटीग्रेशन यू इंटू वी से स्टार्ट कर देते हैं। यू इंटू वी का पता होगा ना, यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ वी, और फिर सारे का इंटीग्रेशन कर लोगे। ओके, अब है ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 4 नंबर में भी आ सकता है। इसका आंसर क्या होता है? सर पाई बाय 4। इस लिमिट का आधा, पाई बाय 4। इसको आई लेके चलना होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में फोर्थ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। बहुत कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लेंगे सर, एक्स कर लेंगे, ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर। हाँ, पाई बाई 2 माइनस कॉस बन जाएगा, यहाँ कॉस यहाँ साइन, फिर ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। जी सर। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये डी वाई एक तरफ, डी एक्स एक तरफ, लेकिन ये होगा नहीं, ये जनरल फॉर्म है जो कि सिलेबस से कट चुका है, तो हम ज़्यादा टाइम भी इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। ये हाँ, ये एक्स से डिवाइड करने के बाद ऐसे आ जाएगा ये, और ये कौन सी फॉर्म है? पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, पी है 2 बाई एक्स, क्यू है एक्स, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, जब ट्रायल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो बाइनोमियल का क्वेश्चन आता है, एन इज इक्वल टू 6। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस, स्मॉल पी, इवन नंबर एक बार एक डाई को फेंकते हैं तो इवन नंबर की क्या होती है प्रोबेबिलिटी? 1/2। इवन कितने हैं बेटा इसमें? 3 है ना, 3/6 कितना हो गया? 1/2। क्यू कितना हो गया? 1 माइनस 1/2। और क्या पूछा इसने? 4 सक्सेस, पी वेन एक्स इज इक्वल टू 4। पी एक्स का फार्मूला क्या होता है? एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस। याद भी सिंपल है, एन सी एक्स तो याद रह जाएगा, फिर पी पहले आता है पी क्यू में, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा? पी वैन एक्स इज इक्वल टू 4, 6c4, 1/2 की पावर 4,
और 1/2 की पावर 2, 64 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा और 1/2 की पावर 6। अच्छा ये कटने वाला है बेटा, तो मैं दोबारा ज्वाइन कर दूं क्या इसको, ये पेपर खत्म कर लेते हैं। हाँ सर ये सेट ही कंप्लीट करा दो। ठीक है ना, तो मैं दोबारा जोड़ दूंगा। 12वां हमने एक्स के लिए सोल्व करना है, टेन इनवर्स ये है बेटा, और यहाँ पे तो देखो टेन इनवर्स टेन से जब कटता है यहाँ 1/2 दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना, ये दो न क्या करेंगे हम उरेन ले लेंगे, ठीक है, इस दो को क्या करेंगे इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 tan inverse 1 minus x 1 plus x इज इक्वल टू 10 inverse x। और इस LHS में 10 दो बार लिख रहे इसका जोड़, अब क्या तरीका है बेटा इसमें 10 inverse का फॉर्मूला लगा देंगे, ये इसे कट जाएगा, ये रह गया 1 minus x upon 1 plus x का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1 minus x upon 1 plus x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये क्या हुआ बेटा 1 minus x का स्क्वायर 1 plus x का स्क्वायर और नीचे जो है 1 plus x का स्क्वायर -1 - x का स्क्वायर।